धार जिले के पीथमपुर में मनमानी कॉलोनी शिवानी होटल के पास लाइफ टाइम किराना स्टोर है। दुकान का संचालक अनीस करते हैं। अनीस के पिता मोहम्मद रशीद, जिसकी रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पॉजिटिव आई है, संभावित है कि वह भी लाइफ टाइम किराना स्टोर पर आए हों। महू में उनके निवास पर तलाश करने पर पता चला कि 27 मई बुधवार को तलाश करते हुए एक दल उन्हें पीथमपुर मनमानी कॉलोनी में देखने गए। वहाँ पर नहीं मिले नगर पालिका द्वारा अनाउंसमेंट भी कराया गया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा उनका मकान और दुकान को भी सील कर दिया गया है। 22 किराएदारों को घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है और रशीद के लड़के को संदिग्ध लगने से धार अस्पताल भेजा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। किराएदारों से बात की तो वह बताने को तैयार नहीं थे। जब दल द्वारा सख्ती से जाँच की गई तो उस मकान में 22 लोग और मकान मालिक का लड़का भी मिल गया। प्रशासन ने सभी को क्वारंटाइन किया है। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। जी सर, बताइए, आज जो क्वारंटाइन किया गया है तो ये बंदा कहाँ से आया? एक्चुअल में ये जो है महू में प्रशांति हॉस्पिटल में इसके पिताजी एडमिट थे, अब्दुल रशीद करके। ये इनका कहना है कि ईद के समय से एडमिट थे और वहाँ पे आज सुबह 12 बजे के करीब इनकी रिपोर्ट आई है जो कि कोरोना पॉजिटिव है। इनका ये कहना है, इनके जो बेटा है उसका ये कहना है कि वो वहाँ पर जब पॉजिटिव आई थी तो ये वहाँ से सुबह 8 बजे दुकान खोलने के लिए आया था और 11 बजे के करीब इसकी रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। तो अब ये वहाँ से आया, चूँकि उनके फर्स्ट कांटेक्ट हिस्ट्री में यही है, इसलिए अपन ने इसको क्वारंटाइन किया। आसपास के क्षेत्रों कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाएगा? अभी नहीं, एक्चुअल में कंटेनमेंट एरिया इसलिए नहीं घोषित किया जाएगा क्योंकि अभी अपन इसकी रिपोर्टिंग के लिए धार भेजेंगे। इसको अपन ने एहतियात के तौर पे जो 19 लोग इनके घर में रहते हैं और सामने जो लोग रहते हैं उनको घर के अंदर ताला बंद करके रखा है। बाकी सिर्फ अपन इसे भेज रहे हैं क्योंकि फर्स्ट कांटेक्ट हिस्ट्री वाला है, तो वहाँ से अगर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उसके बाद अपन कंटेनमेंट एरिया के बारे में सोचेंगे। क्वारंटाइन किया जाएगा? टोटल मिला के 22 लोग ऐसे हैं जिनको अपन होम क्वारंटाइन करेंगे। इसकी रिपोर्ट आने के बाद बाकी अपन दूसरा डिसीजन लेंगे। बच्ची भी है एक छोटी सी जिनकी, तो उसको भी, उसके माँ को भी, क्या उसकी भी सैंपलिंग? वो अभी महू में है, उसके लिए हमें नहीं पता है। मैं फिर भी वहाँ बात करता हूँ। सैंपलिंग अगर 20 दिन की भी होगी तो भी सैंपलिंग तो कराना पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।